कोरोना संक्रमण काबू में आ रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के दो नए मरीज मिले हैं। इनमें दरासपुर निवासी 65 वर्षीय वृद्धा को ब्लैक फंगस हुआ है। उसे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। वहीं बीबीपुर निवासी 30 वर्षीय युवक को भी ब्लैक फंगस हुआ है। ये मरीज फिलहाल निजी अस्पताल में दाखिल है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि अब जिले में कुल 11 मरीज ब्लैक फंगस के मिल चुके हैं। उधर ब्लैक फंगस से संक्रमित पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कमला वर्मा का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके लिए स्वास्थ्य विभाग ने इंजेक्शन उपलब्ध करवा दिए हैं। उनकी हालत में अभी कुछ सुधार है। अब जिले में 11 मरीज ब्लैक फंगस के मिल चुके हैं। इनमें से एक केस दिल्ली और दो केस करनाल से यहाँ आए मरीजों के हैं। 7 मरीज यमुनानगर जिले से हैं। इनमें से 5 को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और एक मरीज को पीजीआई में दाखिल करवाया है। 5 मरीज का इलाज जिले के निजी अस्पताल में चल रहा है। देखिए, यदि हमारे ज़िले में अब तक कुल टोटल 11 केसेस हैं जो रिपोर्टेड हुए हैं ब्लैक फंगस के, जिनमें से एक केस हमारा दिल्ली से है, एक इंद्री करनाल से है, दो केस सहारनपुर से हैं और 7 केसेस जो है यमुनानगर के हैं। इनमें से 6 केसेस जो हैं इनका इलाज जो बाहर चल रहा है, जिनमें से 5 केसेस का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में और एक केस का उपचार जो है पीजीआई चंडीगढ़ चल रहा है और बाकी जो 5 केसेस हैं उनका इलाज यमुनानगर में चल रहा है। जो मैंने बताया आपको कि 11 टोटल केसेस हैं जो अब तक सामने आए। जैसे जैसे अब आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के केसेस वो बढ़ रहे हैं। इसके लिए सरकार ने उमंग नाम से पोस्ट कोविड केयर सेंटर भी सिविल हॉस्पिटल में खोला हुआ है। सभी जितने भी प्राइवेट डॉक्टर हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि जो कोविड से ठीक हुए मरीज हैं उनको, चाहे वो साइकोलॉजिकल है चाहे फिजिकल, कोई भी कोई दिक्कत आती है तो उसका तुरंत उपचार किया जाए। दिन प्रतिदिन की शरीर की सफाई रखना बहुत आवश्यक है। ऐसे एरिया में जो मॉइस्ट एरिया है, जहाँ पर डैम्पनेस होती है, ऐसी जगह पर फंगस की ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो ऐसी जगह को अवॉइड करना है। अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। यदि किसी भी तरीके के सिम्टम नज़र आते हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। देखिए, जो एम्फोटेरिसिन बी की इंजेक्शन है, वो इसका सारा नियंत्रण सरकार ने अपने हाथ में लिया हुआ है और जहाँ से भी अवेलेबिलिटी होती है उसके बाद जो भी प्राइवेट सेक्टर के या गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर्स उसको यदि प्रिस्क्राइब करते हैं तो एक परफॉर्मा उनको भरना होता है जो स्टेट हेडक्वार्टर पर जाता है। वहाँ से अप्रूवल मिलती है इंजेक्शन की। उस व्यक्ति के व्यक्ति विशेष के नाम से इंजेक्शन एलोकेट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हमारी विशेष वाहन के द्वारा वो इंजेक्शन लाकर उस हॉस्पिटल तक पहुंचा दिए जाते हैं और उसका जो सरकारी रेट है वो उनसे ले लिया जाता है। तो जिला अस्पतालों में इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, स्टेट हेडक्वार्टर पे और डिस्ट्रिक्ट जो हमारे वेयर हाउसेज हैं वहाँ पर इंजेक्शन उपलब्ध हैं और जब व्यक्ति की डिमांड जाती है तो उसकी डिमांड से जो अप्रूवल होती है उसको इंजेक्शन लाकर उस व्यक्ति को पहुँचा दिया जाता है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।